नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बंगाल के संदेश खाली का मुद्दा ना अभी थमा है ना रुका है। तरह तरह के अपडेट्स आ रहे हैं, जिनमें एक अपडेट आया है संदेश खाली के सो कॉल्ड गुंडे को लेकर, जिसमें वो रोता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात कर रही हूं शेख शाहजहां की। और ये रोते हुए उसका वीडियो ऐसे वक्त में वायरल हुआ है जब अमित शाह का बयान सामने आता है कि आप कमल पर बटन दबा दीजिए, बीजेपी को जिता दीजिए, तो हम ममता के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, संदेश खाली जैसा ही एक और मामला बंगाल से सामने आया है। शांतिपुर जगह है और यहां पर भी टीएमसी से जुड़ा एक नेता इसी तरीके की हरकत करता हुआ दिखाई दिया है। वहां की महिलाओं ने ये आरोप लगाए हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बंगाल से लगातार जो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, उनका इलाज क्या है, उनका तोड़ क्या है और कैसे ये थमेंगी, कैसे ममता बनर्जी के संरक्षण में पल बल बढ़ रहे ये गुंडे, ये नेता अपने आप को काबू कर पाएंगे। देखिए शांतिपुर में क्या हो रहा है। जो महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उनके मुताबिक प्रदीप सरकार नाम का शख्स है, घरों में घुस जाता है, महिलाओं की तस्वीरें लेता है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है। पंकज प्रसून से पूरा मामला समझेंगे, कब प्रकाश में आया और क्या अब तक कोई एक्शन लिया गया है इस शख्स पर। पंकज जी देखिए नम्रता, सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि पूरा मामला है क्या। रानाघाट नाम का एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है बंगाल में और वहां एक ब्लॉक आता है जिसका नाम है शांतिपुर। शांतिपुर में एक बगशापुर इलाका है, थाना क्षेत्र पड़ता है बगशापुर, और वहां एक कमचापुर नाम का गांव है। अब उस गांव में होता क्या था कि प्रदीप सरकार टीएमसी का गुंडा है और वो क्या करता था कि रात में महिलाओं के घर में घुस जाए, कभी कभी उनकी गंदी वीडियो बना ले मोबाइल से, कभी क्या करे कि किसी के घर में घुसकर छेड़खानी करने लगे। स्थानीय लोगों ने एक दो बार इसकी पिटाई भी की, लेकिन फिर तो आपको पता है ना टीएमसी की गुंडागर्दी और वहां उनका जो नेटवर्क, तो लोग भी डरते हैं। अब क्या हुआ कि वहां से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के जगन्नाथ सरकार, उन्होंने वहां स्थानीय प्रशासन को कई बार लिखा कि आपके लफंगे, मतलब टीएमसी के लफंगे, देखिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और गांव की बात है, किसी भी घर में घुस गया रात को, कोई महिला सो रही है और जाके उसके बेड पे लेट जाइए आदमी, मतलब अगर दरवाजा बंद रहे तो वो खिड़की से मोबाइल से वीडियो बनाने लगे। गांव की लड़कियां कोई पढ़ने जा रही हैं तो उन्हें छेड़खानी करे, और ये अकेला नहीं, तीन चार का ग्रुप बना के कभी किसी का दुपट्टा खींच ले, कभी किसी का साड़ी का पल्लू खींच ले। और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद वहां कुछ हुआ नहीं, मतलब कि लगातार 7 चिट्ठियां लिखी हैं और 7 चिट्ठियां कोई आम आदमी नहीं लिख रहा है कि पंकज कुशल नम्रता को लिख रहे हैं, जो लोकसभा में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं जगन्नाथ सरकार के, भाई इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए, बहुत शिकायतें हैं। लेकिन आपको पता है वो बंगाल है और टीएमसी के नेता के खिलाफ शिकायत आप करेंगे तो कार्रवाई कब होती है ये आपको पता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये चर्चा वहां है, ये रानाघाट इलाके में जो शांतिपुर ब्लॉक है वहां पूरी तरह चर्चा है कि ये दूसरा संदेश खाली है। वहां एक शेख शाहजहां था, यहां एक प्रदीप सरकार है, और वहां शेख शाहजहां के लोग थे, जैसे उत्तम सरदार था, शिबू हाजरा था, यहां भी इसने लोग पाल रखे हैं। और वहां तो फिर भी कुछ पॉलिटिकल एंगल था, कुछ पैसे का यह था कि चलिए घपले घोटाले में, ये तो शुद्ध रूप से लफंगा है, इसका और कोई काम ही नहीं है सिवाय कि गुंडागर्दी करके जो टैक्स वसूली होता है वो ऊपर पहुंचा है और बदले में लड़कियां छेड़े। छुटभैया कार्यकर्ता है या किसी पद पर है? नहीं नहीं, पदाधिकारी है, ये टीएमसी का पदाधिकारी है छुटभैया, कोई ऐसा नहीं है कि कोई लफंगा है जो टीएमसी के साथ जुड़ गया और वैसे ही कर रहा है, नहीं, पदाधिकारी है भाई, इसके अंडर लोग काम करते हैं। और एक नंबर का आवारा शराबी और यही काम करता है ये, मेरे चरित्रहीन भी है ये। और हैरानी की बात यह कि देखिए समाज में कहीं इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह ऑर्गेनाइज्ड वे में बहुत सारे केसेज, बहुत सारी महिलाओं ने शिकायत की है। मैं ये कह रहा था कि गंभीर बात यह है कि यह ऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है पुलिस, और वो भी तब जब बार बार सबसे सीनियर पुलिस अफसरों को चिट्ठियां लिखी जा रही है और मीडिया में आ चुका है यह मामला। अब देखिए फिर से संदेश खाली की तरह अगर सैकड़ों महिलाएं प्रोटेस्ट करने पहुंचेंगी तो फिर बोल दिया जाएगा कि ये तो बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं भाई, गुंडे हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद पुलिस प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा इस प्रदीप सरकार पे। और मैं बहुत सारे वीडियो में पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि
बंगाल के कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब कि जो आदमी मेरा कहा नहीं माने या फिर टीएमसी को वोट नहीं दे या टीएमसी के कहे अनुसार नहीं चले तो उसके घर की महिलाओं के साथ रेप कर दो, उसके घर की बहू बेटी कहीं जा रही है तो छेड़खानी शुरू कर दो ताकि तंग आके परेशान होकर वो आदमी टीएमसी को सपोर्ट करने लगे कि जान बचानी है, इज्जत बचानी है तो करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये लोग सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। और मैं बता रहा हूं नम्रता, ये बात सिर्फ रिलीजन की नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक संदेश खाली में शेख शाह जहां पकड़ा गया, ये लोकल गुंडे किसी को नहीं छड़ते, किसी को नहीं बख्शते। ये आप मुसलमान बच्चियों से जाकर वहां पूछ लीजिए, वो बोलेंगे कि फलाना दादा वहां बोलते हैं, फलाना दादा चेंगड़ा है, चेंगड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला कि ये चेंगड़ा क्या है, मुझे लगा कोई मछली की वैरायटी होगी बंगाल में। बाद में पता चला इस तरह के जो लफंगे होते हैं ना टीएमसी में, उनको चेंगड़ा कहते हैं वहां लोकल भाषा में। तो बहुत सारे चेंगड़े को पाल के रखा है इन्होंने और उनका यही काम है। वो मुस्लिम है लेकिन मुस्लिम मोहल्लों में जो आदमी उनका कहना नहीं मान रहा उसके घर के बहू बेटी को छेड़ रहे हैं और ऐसे भी छेड़ रहे हैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बहू बेटियों को भी। और हिंदू इलाके में एक हिंदू है प्रदीप सरकार की तरह है, वो एक गुंडा सिस्टम है। मैं बार बार बोल रहा हूं टीएमसी का एक गुंडा सिस्टम है, तोलाबाजी जिसको वहां की भाषाएं बोलते हैं, कट मनी। और हर चीज में जब भी आप कोई काम करने जाइएगा बंगाल में तो एक कट मनी देना होता है, पर्टिकुलर वो बंधा हुआ है। और ये सब कट मनी वसूल करने वाले ये मतलब बड़े गैंग के छोटे छोटे ये सब प्यादे हैं और उसके बदले में ये चूंकि पैसा वसूल करके देते हैं तो उसके बदले में इन्हें इस तरह महिलाओं से छेड़खानी, चोरी चकारी, बम बनाना, डकैती, सब छूट मिली हुई है कि तुम भाई थोड़ा बहुत दादागिरी अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अगर किसी के घर में घुस जाते हो, किसी की बहू बेटी से छेड़ देते हो तो ठीक है पुलिस से संरक्षण मिल जाएगा। और मैं बता रहा हूं आपको वहां के स्थानीय विधायक सांसदों का समर्थन मिलता है, प्रशासन का समर्थन मिलता है ऐसे लोगों को। अच्छा बताइए ऐसा क्या कारण हो सकता है कि इस प्रदीप सरकार की गिरफ्तारी नहीं होगी? सही बात है संरक्षण में जबकि कुछ पावर होगी सिर पे हाथ, क्यों नहीं, बिल्कुल तभी तो ये कर पाता है। और बताइए कितना घिनौनी बात है कि रात को सोए हुए हैं और वो पता चला कि कोई अकेली महिला सोई उसके घर में घुस गया और पता चला वीडियो से गंदी तस्वीरें बना रहा है उसके सोते हुए को, एडिटेड कर रहा है, मॉफ कर रहा है उसको। क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हाँ ब्लैकमेल कर रहा है और टीएमसी का ऐसा आदमी पदाधिकारी होना चाहिए, पार्टी से तो पहले लात मार के भगा देना चाहिए था इसको। नहीं अब तक लेकिन करेंगे नहीं, चाहिए था अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था। और बिल्कुल तीन चार दिन से तो ये खबर मीडिया में है। हाँ मुझे याद है जब हम संदेश खाली पर चर्चा कर रहे थे तो ये आप ही का बयान था कि संदेश खाली में सिर्फ एक शेख शाहजा नहीं है, आप जगह जगह चले जाइए बंगाल में इस तरीके के गुंडे मिल जाएंगे। बिल्कुल। और ये मैं बताऊं, मैं नाम लेके बताता हूँ, आप बताइए कि हुबली में महिलाओं ने प्रदर्शन किया कि नहीं? इनका काम क्या है? जमीन कब्जा करते हैं ये सब जमीन। जैसे कि हुबली में ये मामला आया, वहां कोई शमसुद्दीन वगैरह था, उसने क्या किया कि महिलाओं की बहुत सारी जमीन थी, जैसे जिस घर में पति की मौत हो जाए या कोई पुरुष नहीं रहे तो वो कमजोर एक महिला अकेला पाए उसका जमीन पे कब्जा कर लो, वो कहां तक दौड़ेगी बेचारी। काली मंदिर की जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। ये मोहम्मद सैफू है नंदीग्राम में, वो एक गुंडा है वहां पे, उसके बारे में तो बहुत खराब रिपोर्ट है, हो सकता है कि उसके टेरर लिंक निकले आने वाले दिनों में। ठीक है, तो एक तरफ टीएमसी नेताओं से जुड़ी हुई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि एक बार हमें वोट दे दो तो उसके बाद हम इन नेताओं को और ममता के गुंडों को उल्टा लटका देंगे। अमित शाह के बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। पंकज जी शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। आप इस चर्चा को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार। चुनावी हिंसा करती, पंचायत के चुनाव में 200-200 लोग मारे जाते, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद लोगों की हत्या होती है, देश भर में चुनाव होते हैं कहीं हिंसा नहीं होती है और बंगाल के अंदर हिंसा होती है, इसका कारण तृणमूल कांग्रेस है। मैं आपको बताने आया हूं, मां माटी और मानुष तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो संदेश खालिफ में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को
भ्रष्टाचार और हिंसा कर समाप्त करने का काम किया है। अब समय आ गया है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का, और समय है आप सभी लोगों ने कमल के निशान पर बटन दबाने का। भाई और बहनों, यहां रायगंज के लिए एम्स की योजना बनी, ममता दीदी ने रोक दी, भाजपा बनाना चाहती थी वो कलकत्ते ले गई, पूरे नॉर्थ बंगाल में एम्स नहीं है। मोदी का गारंटी है 30 सीटें जिता दो, हम नॉर्थ बंगाल के लिए अलग एम्स बनाने का काम करेंगे। भाई और बहनों, कुलिका नदी का मुद्दा, चौड़ पर यहां लोग खेती करते थे, ममता के गुंडों ने गरीब किसानों की भूमि छीन ली है। ये नहीं, आप यहां पर लोकसभा के बाद भाजपा सरकार बना दो, ये ममता के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम हम करेंगे। भाई और बहनों, बिहार और रायगंज का कनेक्टिविटी हो जाए तो यहां पर बिजनेस की बढ़ोतरी होती है, बिहार और बंगाल दोनों को फायदा होता है। बिहार की सरकार ने एनओसी दे दी, मैंने स्वयं ममता दीदी से बात करा, वो एनओसी नहीं दे रही है। मुझे बताओ रायगंज वालों, ये हाईवे बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ममता दीदी नहीं बनने देती है, चुनाव में आप उनको ये पूछिएगा।